हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल मिस्टर मिसेस रावत की रसोई में। और आज मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ फ्रूट कस्टर्ड की रेसिपी, जो कि बहुत ही इजी रेसिपी है। सो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी को ये रेसिपी पसंद आएगी और आप इसे ज़रूर ट्राई करना। फ्रेंड्स, अगर रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करना, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना, ताकि आने वाली सारी रेसिपीज की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो चलिए आज की रेसिपी को हम स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, फ्रूट कस्टर्ड बनाने के लिए सबसे पहले हमें लेना है 2 स्पून कस्टर्ड पाउडर, और यहाँ पे मैंने वेनिला कस्टर्ड पाउडर लिया है। आप अपने पसंद से कोई भी ले सकते हैं। अब इसमें ऐड करेंगे हम 4 से 5 चम्मच ठंडा दूध, और इसे हम अच्छे से मिक्स करके घोल रेडी कर लेंगे। और अब हम लेंगे एक पैन और उसमें डालेंगे हम 2 कप दूध, और इसे हम बॉयल करेंगे। और फ्रेंड्स, जब दूध उबल जाए तब हम इसमें ऐड करेंगे कस्टर्ड का घोल, और हमें जो कस्टर्ड का घोल है वो धीरे धीरे ऐड करना है। साथ ही हमें दूसरे हाथ से लगातार इसे चलाते रहना है, बिकॉज कस्टर्ड डालने से इसमें गुठलियाँ आ सकती है। तो हमें दूसरे हाथ से लगातार चलाते हुए इसे पकाना है, और तब तक पकाना है जब तक ये गाढ़ा ना हो जाए। सो फ्रेंड्स, अब आप देख सकते हैं कि कस्टर्ड काफ़ी गाढ़ा हो गया है, और अब हम इसमें ऐड करेंगे शक्कर। और यहाँ पर मैंने 1/4 कप शक्कर लिया है, और इसे भी हम अच्छे से मिक्स करते हुए लगातार चलाते रहेंगे। सो फ्रेंड्स, अब हमारा कस्टर्ड का मिश्रण बिल्कुल रेडी है, और इसे अब हम गैस से उतार देंगे और ठंडा करेंगे। जब ठंडा हो जाए तब हम इसे एक बाउल में निकाल लेंगे, और इसके अंदर ऐड करेंगे थोड़े से फ्रूट। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने थोड़े से फ्रूट कट किए हैं। यहाँ पे मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, बनाना लिया है, वाटरमेलन और ग्रेप्स और पोमोग्रेनेट। आप जो भी फ्रूट खाना पसंद करते हैं आप उन फ्रूट को कट करके इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। तो एक एक करके मैं सारे फ्रूट्स इसके अंदर ऐड करूँगी। सो फ्रेंड्स, सारे फ्रूट ऐड करने के बाद में इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे कस्टर्ड के साथ में। और जब ये मिक्स हो जाए तब हम इसके ऊपर डालेंगे 2 चम्मच व्हिप क्रीम। और फ्रेंड्स, ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास हो तो आप इसे ज़रूर ऐड करें, बिकॉज इससे जो कस्टर्ड का फ्लेवर है वो बहुत ही अच्छा आता है। सो फ्रेंड्स, अब हमारा जो कस्टर्ड है वो बिल्कुल रेडी है, और अब हम इसे फ्रिज में रख देंगे अराउंड 4 से 5 घंटा थोड़ा सा ठंडा होने के लिए। और जब ये ठंडा हो जाए तब आप इसको सर्व कर सकते हैं। सो अब हमारा फ्रूट कस्टर्ड बिल्कुल रेडी है, और अब हम इसे सर्व कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, सर्व करने के बाद में आप इसके ऊपर थोड़े से बचे हुए फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं, ताकि ये दिखने में भी बहुत ही यमी और टेस्टी लगे। सो अब मेरे पास जो बचे हुए फ्रूट्स थे वो मैं थोड़े से ऊपर से ऐड करूँगी, ताकि इसका लुक भी बहुत ही यमी दिखे। सो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी को ये रेसिपी पसंद आई होगी, और आप इसे ज़रूर ट्राई करना। और रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर भी कर देना, और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना, ताकि आने वाली सारी रेसिपीज़ की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। और फ्रेंड्स, बहुत सारी शॉर्ट्स रेसिपीज़ के लिए आप मेरे इंस्टाग्राम रावत की रसोई को भी फॉलो कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, बाय बाय एंड टेक केयर, एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड प्लीज़ शेयर योर एक्सपीरियंस इन माई कमेंट बॉक्स। सो बाय बाय एंड टेक केयर, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।